जालौन में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा उदयनगर में स्थित शराब बियर की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चंद्रनगर कोच रोडवेज बस स्टैंड, जिला परिषद के अंग्रेजी शराब की दुकान, रोडवेज बस स्टैंड देसी शराब की दुकान एवं जिला परिषद स्थित बियर की दुकानों का QR कोड तथा बार कोड मौके पर चेक किया। स्टॉक लाइसेंस स्टॉक वेरिफिकेशन का निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिन दुकानों पर अनियमितता पाई गई है उन अनुज्ञापियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश दिए कि सभी दुकानों में CCTV कैमरे लगवाए जाएं। आबकारी अधिकारी तथा पुलिस प्रशासन की टीम जनपद के समस्त शराब की दुकानों का गहनता से निरीक्षण करे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी समय मेरे जनपद की किसी भी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उस मदिरा के दुकान के अनुज्ञापी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी KP यादव तथा संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। मैडम, वाइन शॉप चेक करी है, क्या अनियमितता निकली है और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम अभी अन्य प्रदेश में जनपद में कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं और ये विभिन्न आबकारी विभाग के अंतर्गत निरीक्षणों के क्रम में ये देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया है। इस तरह के निरीक्षण तहसील स्तर पर भी पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम और तहसील की संयुक्त टीम के द्वारा किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अनियमितता ना हो और लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न हो। अभी चेकिंग के दौरान कोई अनियमितता निकली मैम? अभी यहाँ पर मैंने देखा दैनिक बिक्री रजिस्टर इन लोगों के द्वारा प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। दुकानों पर CCTV नहीं लगे हैं, निर्देश दिए गए हैं कि सभी दुकानों पर CCTV लगाए जाए और बिक्री रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किया जाए। ओके, थैंक यू। जालौन से मनोज शिवहरे की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।